गाइस जब WWE में दो ताकतवर सर आपस में फाइट करते हैं तो उस मैच को देखने में काफी ज्यादा मजा आता है, लेकिन क्या हो जब एक ताकतवर सर के सामने काफी कमजोर रेसर चला जाए। उस मैच में कमजोर रेसर को हारना निश्चित है। WWE के हिस्ट्री में ऐसे ही कई उटपटांग मैच हो चुके हैं, इसलिए आज के इस वीडियो में WWE के ऐसे ही 5 उटपटांग मैचेस के बारे में बात करेंगे जब एक ताकतवर रेसर के सामने काफी कमजोर रेसर फाइट करने गया था। तो मैं हूं प्रिंस शोधन, आप देख रहे हैं रेसल प्रिंस। तो बिना किसी टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला मैच आता है हांस होगल वर्सेस ग्रेट खली। दरअसल साल 2007 में विंस मैकमैन ने हांस होगल को अपना बेटा मान लिया था, लेकिन एक टाइम में हांस होगल को अपना बेटा मानने से विंस मैकमैन इनकार करते हैं और हांस होगल से बोलते हैं कि जब सर्वाइवर सीरीज में ग्रेट खली के साथ फाइट करके उस मैच को जीतेगा तब तुमको अपना बेटा मानूंगा। इसी वजह से साल 2007 के सर्वाइवर सीरीज में ग्रेट खली और हांस होगल के बीच एक मैच फिक्स होता है। उस मैच में ग्रेट खली के सामने हांस होगल फाइट करने चले जाते हैं। ग्रेट खली 60 फीट 3 इंच के बंदा और वही हांस होगल 3 फीट का बंदा। इस मैच को देखने से पहले ही सारी ऑडियंस को पता था कि हांस होगल को उस मैच में हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उस बावजूद ही हांस होगल ग्रेट खली से फाइट करने स्टार्ट करते हैं। ग्रेट खली से जब हांस होगल फाइट करने जाते हैं तो ग्रेट खली हांस होगल को एक थप मारते हैं, जिससे हांस होगल चक्कर खाकर रिंग से बाहर चल जाते हैं। दोबारा विंस मैकमैन हांस होगल को समझाते हैं कि जाओ ग्रेट खली से फाइट करो, लेकिन फिर क्या होना था, ग्रेट खली वापस उनको एक थप मारते हैं कि गिर जाते हैं। लेकिन इतने में हांस होगल के असली फादर आते हैं और उनको बचाते हैं और बताते हैं कि ये मेरा बेटा है, और इस तरह ये फ्यूड वहीं खत्म हो जाता है। और ऐसा ही उटपटांग मैच हमें रेसलमेनिया 34 में देखने को मिला। दरअसल रेसलमेनिया 34 में ब्रॉन स्ट्रोमैन को टैग टीम टाइटल के लिए फाइट करना होता है सेमस और सिजारो के खिलाफ, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन के पास कोई भी टैग टीम पार्टनर नहीं होता है। इसी वजह से ब्रॉन स्ट्रोमैन ऑडियंस के बीच में से एक बच्चे को सिलेक्ट करते हैं जो कि 10 साल का होता है, और उसको ही अपना टैग टीम पार्टनर बनाकर रिंग में ब्रॉन स्ट्रोमैन लाते हैं। लेकिन रिंग में आने के बाद निकोलस काफी डरा हुआ था, क्योंकि उसके सामने WWE के बेस्ट रेसलर सिजारो और WWE के सबसे खतरनाक रेसलर सेमस थे, और उन्हीं रेसलरों के साथ निकोलस को फाइट करना होता है। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन टैग ले लेते हैं और उस मैच में निकोलस और ब्रॉन स्ट्रोमैन दोनों टैग टीम टाइटल को जीत भी जाते हैं और जीतकर रॉक टैग टीम चैंपियन बन जाते हैं, जो कि वहां पर बैठी ऑडियंस में से किसी को भी विश्वास नहीं था कि 10 साल का बच्चा रॉक टैग टीम चैंपियन बन जाएगा। दरअसल कुछ ऐसा ही मौका साल 2019 के रॉयल रंबल मैच में देखने को मिला। नंबर 30 पर आर ट्रूथ अपना एंट्री करते हैं, लेकिन आर ट्रूथ पर अरेना जैक्स अटैक करती है और उनका स्पॉट छीन लेती है और खुद मेंस रॉयल मैच में अपना एंट्री करती है। रिंग में आते ही नया जैक्स मुस्तफा अली को रिंग से बाहर फेंक देती है और बाकी बचे रेसलरों पर अटैक करना स्टार्ट करती है। जितने भी मेंस रेसलर उस रिंग में मौजूद थे सबको नया जैक्स डोमिनेट करती है, लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिला कि सारे मेंस रेसलर मिलकर नया जैक्स पर अटैक करते हैं, जहाँ की रैंड न्यूटन भी नया जैक्स को आरकेओ लगाते हैं। उसके बाद सारे मेंस रेसलर मिलकर नया जैक्स को रिंग से बाहर करते हैं। ये चीज देखकर WWE ऑडियंस शॉक रह गई थी कि एक वुमेन रेसलर को रिंग से बाहर करने के लिए सारे मेंस रेसलर को एक साथ लगना पड़ा, जो कि अपने आप में एक सोचने वाला बात भी है। और ऐसा ही कुछ उटपटांग डिसीजन हमें 2015 के रॉयल रंबल मैच में देखने को मिला। दरअसल 2015 के टाइम में रोमन रेंस WWE चैंपियन थे। WWE चैंपियन रहने के बावजूद भी रोमन रेंस WWE 30 से भिड़ जाते हैं, जैसे कि ट्रिपल एच शेन मैकमैन और खुद WWE के मालिक विंस मैकमैन को रोमन रेंस पीट चुके थे। इसी वजह से विंस मैकमैन रोमन रेंस से गुस्सा होकर अनाउंस करते हैं कि इस साल के रॉयल रंबल मैच में रोमन रेंस को अपना टाइटल 30 मेंस रॉयल रंबल मैच में डिफेंड करना होगा। रोमन रेंस अकेले होंगे और उनके खिलाफ 30 रेसलर होंगे और 30 रेसलरों से अपना WWE टाइटल को डिफेंड करना होगा। जब ये मैच स्टार्ट होता है तो रोमन रेंस अपना टाइटल बचाने की पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रोमन रेंस कई एलिमिनेशन करने के बावजूद भी अपने टाइटल को नहीं बचा पाते हैं। लास्ट के कुछ मौके में ट्रिपल एच रोमन रेंस को एलिमिनेट कर देते हैं और खुद रॉयल रंबल को जीत जाते हैं। और ऐसा ही कुछ उटपटांग डिसीजन एटीट्यूड एरा के टाइम में देखने को मिला था। एटीट्यूड एरा के टाइम में रेटेड सुपरस्टार एज और जॉन सीना दोनों आपस में फ्यूड कर रहे होते हैं, लेकिन उस फ्यूड में लिटा रेटेड सुपरस्टार एज का साथ दे रही होती है। जब भी जॉन सीना एज पर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो उनके बीच में लिटा आ जाती थी। इसी वजह से WWE अथॉरिटी ने लिटा और जॉन सीना के बीच एक सिंगल मैच अनाउंस करती है। रॉ के एपिसोड में लिटा और जॉन सीना के बीच मैच होता भी है, लेकिन उस मैच का रूल था कि लिटा के साथ जॉन सीना को एक हाथ से फाइट करना होगा। इसी वजह से जॉन सीना के एक हाथ को पीछे करके बांध दिया जाता है। जब मैच स्टार्ट होता है तो जॉन सीना पर लिटा अटैक करना स्टार्ट करती है, लेकिन जॉन सीना लेडीज समझ कर उन पर अटैक नहीं कर रहे थे, लेकिन उस मैच को थोड़ा सा पर्सनल बना देती है लिटा। जब जॉन सीना को लिटा एक थाप लगा देती है उनके गालों पर, इसी वजह से जॉन सीना गुस्से में होकर लिटा को एटीट्यूड एडजस्टमेंट देकर उस मैच में हरा देते हैं, जबकि सारी ऑडियंस को पता था कि उस मैच में जॉन सीना जीत जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जॉन सीना और लिटा के बीच मैच हुआ था। तो गाइस यही वो कुछ WWE के उटपटांग डिसीजन था। इसके बारे में आपकी क्या राय आप लोग कमेंट में बता सकते हो। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।